BTS News కి స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను పద్మావతి. ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు తాజా వార్తలు అందించేదే BTS News. ఈ రోజు తాజా వార్తలు చూడండి. జయ శ్రీరామ్. आपकी गोली क्यों चलाई? हमारे देश में क्या हो सकता है? अच्छा, क्या गोली चलाई? कपिल गुर्जर. कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा. गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता. हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र. अच्छा, गोली चलाई है इसने. दो फायर करे, इसने दो फायर करे. शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए कुछ गलत लोगों ने बाहर से सरिता विहार की तरफ से फायरिंग करनी चाहिए करी चाहिए नहीं करी आवाज आई. यहाँ बहुत सारी मीडिया थी. जो मीडिया वहाँ पे मौके पर जा रही है दौड़ते हुए देखिए चेक करने के लिए. और पब्लिक भी है, बहुत सारे लड़के भी हैं, औरतें भी हैं. देखिए ये हमारा प्रोटेस्ट एरिया है जो सिर्फ आधा किलोमीटर के अंदर है. ये बैरिकेड है, इसके बाद हमारा प्रोटेस्ट एरिया नहीं है. ये इन्होंने पुलिस वालों ने इसको ब्लॉक किया हुआ है. सामने वाली रोड को भी पुलिस ने ही ब्लॉक किया है. ये अभी पब्लिक निकल के आई यहाँ पर. हमारा एरिया यही है और यहाँ बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है और चलेगा. कभी कोई ये ना सोचे कि एक फायरिंग या दो फायरिंग की आवाज से हम चले जाएंगे या भाग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता. फायरिंग करिए वहाँ पे. दूसरा भी मिल चुका है, दूसरा भी पीछे वाला पीछे. इसलिए आया फायर करने के लिए. देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी. अच्छा, ये देखो ये कैसी सोच का, कितनी गिरी हुई सोच का है. ये देखो आप कितनी गिरी सोच का है.